फूलों का कॉलेज 350 एकड़ में फैला हुआ है, इसके लिए 463 तो मतलब इसके लिए इसको एक स्पेशल अलग से सब ग्रिड दी गई है जो कि मतलब जिरानिया पावर स्टेशन के अंदर आता है, इसका सीधा पावर सप्लाई NTPC से होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, बाहर लाइट 24 जाए लेकिन अंदर का भी लाइट नहीं जाती, 24 घंटे बिजली पानी का हमारे कॉलेज में इंतजाम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजीनियर्स के लिए आप कह सकते हैं स्वर्ग है ये, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, स्वर्ग ही प्रतीत होता है ये। तो काफी प्रोफेसर्स को जब मन नहीं लगता है तो वो बच्चों को यहाँ अक्सर ले आते हैं ऐसा मैंने सुना है। अब वो तो डराने ले आते होंगे ग्रिड्स दिखा के। वो पीछे में आपको वही डुप्लेक्स बिल्डिंग्स दिख रही होंगी जिसपे हम लोग जाएंगे कुछ थोड़ी देर में। मौसम यहाँ और भी अच्छा होता हुआ, हवा में थोड़ी ठंडक बढ़ रही है। और ये हम लोग पहुंच रहे हैं NIT अगरतला की सबसे बेहतरीन पार्ट, लेक की तरफ। ये बहुत पहले बाढ़ आया था जिससे ये पत्थरें बह के आई थी और आज भी यहाँ रखी गई उनकी यादों में। इसके नीचे अत्यंत लाशें गड़ी हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं है आज तक। आपको भी किसी का मर्डर करना हो तो चुपचाप यहाँ लाके दो चार पत्थर उठा के नीचे दबा दो। आप खूनी इंसान, अंदर बहुत सारा डार्क है। आगे चलिए,